हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम सीखेंगे यूज ऑफ ओन इन एंड अंडर बेटा ओन का मतलब होता है ऊपर इन का मतलब होता है बीच में एंड अंडर का मीनिंग होता है नीचे आवास इज ओन द टेबल मीन्स वास टेबल के ऊपर है नेक्स्ट कैट मैट के ऊपर बैठी है ना तो हम क्या बोलेंगे अ कैट इज ओन द मैट अ पेंसिल इज ओन अ बुक मीन्स ओन का यूज वहां पे करेंगे जहां पे कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी तो हम वहां पे ओन लगाते हैं ओन का यूज करते हैं नेक्स्ट इन इन का यूज हम वहां पे करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है लाइक अ लुआइन इज इन अ डैम लोआइन किसके अंदर बैठा है डेन में मतलब गुफा के अंदर बैठा है बर्ड कहां पे बैठी है? नेस्ट के अंदर बैठे है ना देन वी विल से अ बर्ड इज इन नेस्ट अ फिश इज इन अट मीन्स इनका यूज हम वहां पे करेंगे जहां पर कोई चीज किसी चीज के अंदर होगी तो हम इनका यूज करेंगे ओन का यूज कहाँ पे करेंगे जहां पर कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी तो हम ओन का यूज करेंगे नाउ नेक्स्ट इज अंडर अंडर का यूज हम करते हैं जो चीज किसी चीज के नीचे होती है डाउन अकाओ इज अंडर अ शेड ये जो काओ है वो किसके अंडर है शेड के अंदर है अ बॉल इज अंडर अ टेबल बॉल किसके नीचे है टेबल के नीचे अ शू इज अंडर अ बेड शू किसके नीचे है बेड के नीचे तो हम अंडर का यूज करेंगे मीन्स अंडर का यूज हम किसी चीज के चीज जब किसी चीज के नीचे होती है तो हम अंडर का यूज करते हैं अंडरस्टूड स्टूड लेट स्टार्ट एक्टिविटी बच्चे अब आपने ये देखना है वट इज दिस इट्स अ टेबल अब टेबल में के ऊपर अम्ब्रेला है तो आपने ये बताना है अम्ब्रेला टेबल के इन है ओन है और अंडर है An umbrella is on the table. An umbrella is in the table. An umbrella is under the table. Now tell me, umbrella is on the table? Yes. Umbrella table ke upar hai. Then, which sentence is correct? First one. Now tick there.

अलुआइन इज ओन द ट्री अलवाइन इज इन द ट्री अलवाइन इज अंडर द ट्री लुआइन ट्री के अंडर है ओन है और इन है बताओ बच्चों तो लुआइन कहा पर है अंडर द ट्री मतलब वो ट्री के नीचे बैठा है देन लास्ट इज करेक्ट Now next is a cat is sitting a basket in on or under basket के अंदर बैठी है then we will write there in understood बच्चों in बीच वाली चीज के लिए use करते हैं on ऊपर के लिए and under नीचे के लिए